ये है टाटा की नेक्सॉन ईवी। ईवी मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंपनी की पहली और भारत की तीसरी फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी। पहली थी हुंडई की कोना, दूसरी थी एमजी की जेरस ईवी और अब ये तीसरी है नेक्सॉन ईवी। इसका भारतीय कार बाजार में इसका लॉन्च होएगा 28 जनवरी को, उसी दिन पूरी प्राइसिंग डिटेल्स भी बाहर निकलेंगी। मगर उससे पहले हम आए हैं पुणे महाराष्ट्र में इस गाड़ी को चलाने के लिए, परखने के लिए, ताकि हमारे जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हों और जितने आपके सवाल हैं उनका हम जवाब दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में हैं एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए या अगर आप एक ऑटो एंथुजियास्ट हैं तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इससे पहले कि हम गाड़ी को चलाएं और बताएं इसमें कितनी जान है, पहले देखते हैं इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट को। जो नेक्सन है उसको एक फेसलिफ्ट मिलने वाला है, जो नॉर्मल नेक्सन आती है पेट्रोल डीजल वाली, उसी फेसलिफ्ट को ईवी के अंदर भी दिया जाएगा। यू कैन सी जो उसका फ्रंट हैंड है वो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन करा गया है। नाउ एक फैक्ट है, जो टाटा मोटर्स है वो ओन करती है लैंड रोवर कंपनी को, और लैंड रोवर कंपनी का एक डिवीजन है रेंज रोवर वाला। तो जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है नई नेक्सन का वो काफ़ी लगता है लाइक अ रेंज रोवर ऑफरिंग। आई थिंक इट्स अ जॉब डन वेरी वेल। जो ये इफेक्ट मिलता है आपको, मिलता है इस नए हेडलैम्प डिज़ाइन को लेके। इसके अंदर ही आपको मिलते हैं इन बिल्ट DRLs। जो बम्पर है वो भी ऑल न्यू है, काफ़ी अग्रेसिव लुकिंग बम्पर है। इनफैक्ट आपको ये मिलते हैं इन्वर्टेड सी टाइप इंसर्ट्स फॉगलैम्प हाउसिंग के अंदर। नीचे सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है, नई जो उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज है उसका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इन डिफरेंट कलर्स। सो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रखा गया है। नया बम्पर है, नई हेडलैम्प्स हैं एंड इसकी ग्रिल भी नई है। ग्रिल के ऊपर आपको मिलता है ईवी का लोगो, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल वही रहती है, बट जो अलॉय व्हील डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल न्यू। दोनों नॉर्मल नेक्सन जो पेट्रोल डीजल है या जो नेक्सन ईवी है, इनके अंदर ये नया वाला अलॉय व्हील डिज़ाइन अब से आया करेगा। रियर डिज़ाइन गाड़ी का वही है, बट दो मेन बदलाव करे गए हैं। फर्स्ट इज़ दी LED पैटर्न इनसाइड दी टेल लैम्प्स, उस पैटर्न को चेंज करा गया है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, रात को वो पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखता है। लाइक द फ्रंट एंड आपको पीछे एक नया बम्पर मिलता है, अगेन इट लुक्स मॉडर्न एंड इट लुक्स अग्रेसिव। तो ओवरऑल पहले हमारी जो नेक्सन थी वो लगती थी मस्कुलर एंड बुच, अब नेक्सन लगती है मस्कुलर एंड ब्लिंग। तो ब्लिंग फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका टॉप एंड वर्जन है, टॉप एंड लग से वन डाउन है वर्जन है, बट जो फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं लाइक अ डुअल टोन रूफ वगैरह, ये सब कुछ दे कम टुगेदर टू मेक द नेक्सन वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन द कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट। तो चलाने से पहले थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम जाएंगे गाड़ी के अंदर, कुछ चेंजेस अंदर भी हैं। वो क्या चेंजेस हैं आइए देखते हैं। ना जितना मैं नेक्सन ईवी के डिज़ाइन को लेके खुश हूँ, उतना ही मैं इसके इंटीरियर्स को लेके इम्प्रेस्ड हूँ। कुछ चेंजेस ज़रूर हैं इसका कंपेयर टू द रेगुलर नेक्सन। शुरुआत के लिए जो इसका एक्सटीरियर कलर है वो है टील ब्लू, और इसके अंदर आपको आईसी ब्लू कलर की कंट्रास्ट स्टिचिंग एंड ये इंसर्ट्स मिलती है। हम हैं इसके एग्जेड प्लस वर्जन में, इसके ऊपर भी एक आता है एग्जेड प्लस लक्स, लक्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर लग्जरी। उसमें आपको सनरूफ मिलेगी एंड लेदर सीट्स मिलेंगे, मगर जो लेदर सीट्स हैं वो लाइटर शेड में हैं एंड पर्सनली आई लव ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक थोड़ा स्पोर्टी अपील देता है। तो मेरे लिए एग्जेड प्लस वाला वर्जन एक बेटर डील रहेगा। तो कंट्रास्ट स्टिचिंग मिलती है आपको आईसी ब्लू कलर वाली, आपको सेम आईसी ब्लू की इंसर्ट्स मिलती हैं सीट के ऊपर और इस पैनल्स के ऊपर। इसके अलावा इस गाड़ी में गियर लीवर नहीं है, तो आपको एक छोटा रोटेटिंग नॉब मिलता है विच हैज सिंपल मार्किंग्स ऑफ N न्यूट्रल, D ड्राइव, R रिवर्स एंड S फॉर स्पोर्ट। और स्पोर्ट क्या करता है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। देन यू हैव अ फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छा दिखता है टू होल्ड, एंड अ न्यू स्पीडो कंसोल। स्पीडो कंसोल वही है जो अल्ट्रॉस में मिलता है। तो राइट साइड पे स्पीडोमीटर है एंड लेफ्ट साइड पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको एक ईवी वाला टैकोमीटर मिलता है कि आप इकोनॉमी जोन के अंदर है या पावर जोन में है, या जब आप अपने राइट पैर को उठाते हैं फ्रॉम द एक्सीलेटर पेडल तो आप रीजन कर रहे हैं, ब्रेकिंग की रीजनरेशन कर रहे हैं, तो वो कितनी कर रहे हैं वो सब यहाँ में लिखा आता है। फीचर वाइज गाड़ी काफ़ी लोडेड है। एग्जेड प्लस के अंदर आपको वही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विच सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम की जो ऑडियो क्वालिटी है वो सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है इन द सेगमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट SUVs। अगर बात करूँ कम्फर्ट की, तो सीट्स वही हैं, गुड अमाउंट ऑफ कम्फर्ट इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी। मेरी हाइट 6 फीट है, अभी मेरे पास एटलीस्ट अ कपल ऑफ इंचज का हेडरूम बचा हुआ है। गाड़ी चौड़ी है तो आपके पास शोल्डर रूम भी है, एंड वही स्ट्रेंथ आपको नेक्सन वाली इसके अंदर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो डोर्स हैं वो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज वाइड खुलते हैं, तो गाड़ी में उतरना एंड अंदर आना और बाहर आना काफ़ी ईजी होता है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे स्पेस है आपके पास, आगे कंसील्ड स्टोरेज स्पेस है, आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज स्पेस है, जो डोर के पैड्स हैं वो बहुत जेनरस है। तो हर चीज़ का इस गाड़ी में आपको ध्यान
रखा जाता है फ्रॉम अ पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पूरी आपको गाड़ी पैम्पर करती है, तो आगे तो थिंग्स आर वेरी नाइस, थिंग्स एट द बैक इन द सेकेंड रो। आइए चलते हैं पीछे। तो दोस्तों पीछे की कहानी कैसी है? वेल फॉर स्टार्टर्स जो ये सीट है ड्राइवर्स वाली वो मैंने एडजस्ट करी है मेरे हाइट के लिए। आई स्टैंड 6 feet tall एंड एज यू कैन सी मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम है, एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कार टू बी वेरी स्पेशियस एट द बैक। सो जो स्ट्रेंथ है नेक्सन की वही स्ट्रेंथ आपको मिलती है ईवी के अंदर। एग्जेट प्लस वाला वर्जन है तो रियर आपको आर्मरेस मिलता है विद कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, मगर चार्जिंग आउटलेट यहाँ पे नहीं है। उसकी लोकेशन थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कत दे सकती है, वो यहाँ पे खींचे वहाँ पर है। इसके अलावा कंफर्ट बहुत है सीट्स के अंदर, आपको अच्छी कुशनिंग अच्छी मिलती है, डोर्स वाइड ओपन होते हैं, तो जो स्ट्रेंथ आपको नॉर्मल एक्सेल के अंदर मिलती हैं वही यहाँ पे मिलती हैं। तो पीछे की एरिया में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है सिवाय द लोकेशन ऑफ द चार्जिंग आउटलेट। सो ये था गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, आप गाड़ी बाहर से भी देख चुके हैं। अब आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर पे, ये गाड़ी चलती कैसी है। नाउ नेक्सन ईवी को मिलता है एक 30.2 किलोवाट का बैटरी पैक, मोटर से इलेक्ट्रिक मोटर से इसको पेयर करा गया है। और अगर आउटपुट के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ पीएस एंड एनएम, तो आपको 129 पीएस की पावर मिलती है, तकरीबन 126 बीएचपी बनता है और 245 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। ये डीजल एक्शन से थोड़ा कम है टॉर्क, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें टॉर्क 0 RPM से आता है। पेट्रोल गाड़ियों में आता है अराउंड 3000 RPM पे, डीजल गाड़ियों में 2000 से कम पे आता है, बट इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको पूरा का पूरा टॉर्क एंड पावर 0 RPM से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ट्रैफिक में अगर आप हैं तो जो गाड़ी का दम है वो आपके पास हमेशा हमेशा रहता है। NVH लेवल्स, नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस एज एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में गाड़ी में, इंजन तो है ही नहीं है, अंदर स्मूथनेस रहती है। सिर्फ रोड नॉइज, जैसे कि अभी मैं पुणे बॉम्बे हाईवे पे हूँ 70 पे, तो रोड नॉइज थोड़ी अंदर आती है, बट उसके अलावा इट्स अ क्वाइट प्लेस टू बी। एक छोटी सी दिक्कत है, मैं बीच में थोड़ा स्प्रिंट रन्स कर रहा था भगाते हुए, जो आप भगाना चाहते हैं गाड़ी को तो पेडल टू मेटल एस मोड के अंदर 80-90-100 पे जाके थोड़ी सी अंदर एक वाइब्रेशन वाली फीलिंग आती है फ्लोर बोर्ड से, और थोड़ा हमिंग भी आती है, वो चीज़ बाकी गाड़ियों में नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, बट इसमें वो आती है। नॉट इट विल बी नॉट बी ऑफ बॉदर टू मोस्ट पीपल बिकॉज हर उस तो आप भगाते नहीं है गाड़ी, बट आपको बता रहा था मैं जो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क है वो एस मोड में आता है। जी हाँ, इसमें दो मोड्स हैं, स्पोर्ट एंड ड्राइव। स्पोर्ट मोड में आपको वो 126 bhp या 129 PS मिलती है और टॉर्क मिलता है। डी यानी कि ड्राइव मोड में इसका आपको मिलता है सिर्फ 60%, बट ऑन द प्लस पॉइंट आपको रेंज मिलती है तकरीबन 300 की इन रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशंस, जो मेरे ख्याल से मोर देन एम्पल है। लोग बोलते हैं कि यार गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती बहुत कम है, रेंज कम होती है, बट मेरे केस में मेरा ऑफिस मेरे घर से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है दिल्ली में, दिन की मैं 65 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँ तो मैं 4 दिन बाद सोचूंगा हाँ यार गाड़ी को चार्ज करना है, एंड दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक रियल वर्ल्ड में अगर 300 की रेंज दे रही है तो ये कुछ बुरी बात नहीं है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, 1 घंटे में 80% गाड़ी चार्ज हो जाती है। अगर वो नहीं करना तो घर के नॉर्मल सॉकेट में 15 mAh के सॉकेट में आप लगाइए इसको और 8 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी। मतलब रात को अगर पहुँचते हैं 7-8 बजे ऑफिस से, चार्जिंग पे लगा दीजिए, सुबह जब बच्चों को जाने का टाइम होगा स्कूल, अब उठेंगे तो गाड़ी फुली चार्ज आपको मिलेगी और 4-5 दिन के लिए सॉर्टेड है। तो आई थिंक पावर के मामले में नो इश्यूज़, रेंज के मामले में नो इश्यूज़। अभी थोड़ी खुला सड़क है मेरे सामने, मैं एस मोड में हूँ पश्चन पे, अगर मैं दबाता हूँ राइट पेडल तो ये होता है 70, 80, 90। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप आई थिंक स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गाड़ी एस मोड के अंदर उड़ती है। मतलब नेक्सॉन की जो परफॉर्मेंस निकलती है एस मोड में वो बहुत सही है, मगर 100 के पास जाते जाते थोड़ा सा वो एक टिपिकल वाइब्रेशन जो मैंने कहा था ना वो आना शुरू हुई थी फ्लोर बोर्ड से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट करी है टॉप स्पीड 120 तक, ताकि बैटरी पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए, जैसे कि मैं गाड़ी भगा रहा हूँ तो ओनर्स भी भगाना चाहेंगे तो फिर बैटरी पे स्ट्रेन आता है। 120 मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा स्पीड लिमिट दिया है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हमेशा भारी होती है बिकॉज बैटरी पैक का बहुत वेट होता है, वो इसके अंदर फ्लोर पे नीचे रखा गया है, तो गाड़ी की जो इनर स्पेस है वो कम नहीं हुई है। ग्राउंड क्लीयरेंस सिर्फ आई थिंक 4 या 5 mm कम हुई है, बट इसके अलावा बिकॉज वेट नीचे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेक्सन ईवी का नीचे है, तो डायनामिकली
सॉर्टेड है, अभी मैं खाली एरिया में हूँ, आसपास ट्रैफिक नहीं है। अगर मैं लेन चेंज करता हूँ 70 पे, यू कैन सी आई एम एक्चुअली अंडर कंट्रोल। बॉडी रोल इस गाड़ी का बहुत 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 अच्छा कंट्रोल में रखा गया है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ राइड क्वालिटी। अगर आप पुणे की सड़कों पे जो सुबह से गाड़ी चला रहे थे, तो काफ़ी स्मूथ सड़कें तो नहीं है पुणे की। सस्पेंशन में कोई तकलीफ नहीं रहती, स्लाइटली ऑन द स्टिफर साइड आपको एक फील होती है, बट वो आपको हाई स्पीड पे, मैं हाईवे पे आ गया हूँ, 80-90 पे हूँ, हाई स्पीड पे आपको वो स्टिफनेस हमेशा हेल्प आती है। तो डायनामिकली मैं इंप्रेस हूँ गाड़ी से। स्टेयरिंग, हाँ जी, स्टेयरिंग इसका लो स्पीड पे लाइट रहता है, एज स्पीड बिल्ड अप स्टेयरिंग इतना वे अप तो नहीं होता, बट बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सॉर्टेड एंड सस्पेंशन में एक स्टिफनेस है, उसकी वजह से आपको स्टेयरिंग में गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, एक स्टेबल फील मिलती है। विजिबिलिटी नेक्सन की हमेशा अच्छी रही है, अभी भी मुझे आसपास सब कुछ ठीक से दिख रहा है, मिरर्स एंड ई पी लाइट ठीक नहीं है, तो विजिबिलिटी के मामले में भी नेक्सन में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं रही है, एंड दिस इज नो डिफरेंट। ड्राइव एक्सपीरियंस के एंड में टाटा मोटर्स ने हमें अपने फैक्ट्री की टेस्ट फैसिलिटी पर इन्वाइट किया फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये था नेक्सॉन ईवी का वाटर वेडिंग टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक फुल इलेक्ट्रिक एसयूवी को 300 मिलीमीटर की वाटर डेप्थ में चलाया। पूरे दिन ये टेस्ट चला था विद डिफरेंट ड्राइवर्स, और इस नेक्सॉन ईवी की बैटरीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये सच में इंडिया के मानसून के लिए रेडी है। सो दोस्तों, ये थी टाटा की नेक्सॉन ईवी, और टाइम है अब इसका वर्डिक्ट के बारे में बात करने के लिए। शुरुआत में मैं बोलूँगा कि ये एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। इसके बैटरी सेल्स तो ऑफकोर्स बाहर से आते हैं, बट बैटरी यहाँ बनती है, गाड़ी यहाँ बनती है। तो अगर मैं बात करूँ मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी, तो ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर नेक्सन है उससे मैं हमेशा काफ़ी इंप्रेस रहा हूँ, बट इस गाड़ी ने एक नया बेंचमार्क क्रिएट किया है। सुबह से गाड़ी को चला रहे हैं, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी इंप्रेस्ड, चाहे डिज़ाइन के बारे में बात हो, चाहे डायनामिक्स के बारे में बात हो, चाहे परफॉर्मेंस के बारे में बात हो। टाटा मोटर्स के को हम हमेशा उनको डाउट करते हैं, हमारे मन में सवाल खड़े होते हैं, यार टाटा की गाड़ी आएगी वो क्या मीट करेगी एक्सपेक्टेशंस, हमने कोना चलाई थी, हमने MG की गाड़ी चलाई थी, वो तो भागती थी, ये सब कुछ तो डाउट्स हमेशा माइंड में रहते हैं, बट गाड़ी चलाने के बाद जितने डाउट्स थे वो भाग गए। सिर्फ एक छोटा शॉर्टकमिंग है, जब गाड़ी को हम भगाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो थोड़ी वाइब्रेशंस अंदर केबिन में फील होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत ट्राई करा, मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई भी शॉर्टकमिंग नहीं मिली। मेरे ख्याल से प्राइसिंग की शुरुआत होगी तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए फॉर दी मिडिल लेवल वर्जन। ये टॉप एंड वर्जन है, एंड इसका मतलब है कि रेगुलर जो पेट्रोल नेक्सन आती है ऑटोमेटिक वाली, उससे ये 5 से 6 लाख रुपए एक्सपेंसिव होगी, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड डील। क्यों? परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, रिफाइनमेंट, फीचर्स, रनिंग कॉस्ट, आपकी जो डेली रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है, जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है। इसमें इंजन तो है नहीं, तो इंजन ऑयल नहीं रहेगा, एयर ऑयल का फिल्टर नहीं रहेगा, तो काफ़ी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो सर्विसिंग कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो जाती है। बैटरी पे 8 साल की वारंटी आपको मिलती है, एंड सो ऑन। तो अगर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं, आपको ये सब कुछ मिलता है, प्लस जो एक प्राउडनेस फील होती है, आप वातावरण के लिए एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं ऐसे वातावरण के लिए, तो जो आपको एक फीलिंग आती है प्राउडनेस वाली, दैट कैन नॉट बी मैच्ड। आई थिंक ओवरऑल टाटा मोटर्स ने बहुत मेहनत करी है, और एंड में जो प्रोडक्ट मिला है, दैट डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आई थिंक टाटा मोटर्स जॉब डन वेरी वेल।